सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल डीटीएस सॉल्यूशन पर। आप सभी भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि साउंड के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो आज की वीडियो साउंड के लिए है। मैं सप्लाई ऑन कर देता हूं और साउंड में चेक नहीं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड आप अपना भी लगाएंगे। जब वोल्टेज ओके हो जाएंगी तो सारे फॉल्ट निकल जाते हैं। तो इस कार्ड के अंदर साउंड का फॉल्ट है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? पहले मैं मीटर लगा देता हूं। मीटर मैंने आजकल बिल्कुल सही हिसाब से सेट कर दिया है ताकि वोल्टेज हम आराम से चेक करा सकें। 3 वोल्ट हम या तो 11-17 पे चेक कर सकते हैं, लेकिन 11-17 पे करेंगे तो वो पिक्चर गड़बड़ हो जाती है कि कैमरे के आगे हाथ आ जाता है। 3 वोल्ट यहाँ चेक कर लो, यहाँ भी नहीं कर सकते तो 8 नंबर पिन पे डायरेक्ट चेक कर लो सीधा, और कार्ड हमारा ऑन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी। ये 8 नंबर पे 3.3, चलो ये तो होगी। 11-17 बड़ी वाली पिन पे 1.8, तो थोड़ा बहुत पॉइंटों का डिफरेंस होगा, उसको आप खुद एडजस्टमेंट करके समझ सकते हैं। उसके बाद ये दो कॉइल हैं, लेफ्ट पे 1.8 आती है, राइट पे 3.3 आती है। ये वोल्टेज बार बार इसलिए दिखानी पड़ती है कि कोई नया व्यूअर हमसे जुड़ा तो उसको भी वोल्टेज समझ में आनी चाहिए। अब वोल्टेज नहीं दिखाएंगे तो उस भाई के भी समझ में कुछ नहीं आएगा। इधर की भी वोल्टेज एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाले पीएफ पे 3.3, दूसरे पे 2.5 के करीब आएगी, तीसरे पे 1.5 के करीब होगी, और चौथे नंबर वाले पीएफ पे भी 3.3 आएगी। ये आपका स्टार्ट बेस होता है 3300, जो बीच में सेंटर में लगी होती है, इस पे भी वोल्टेज 1.6 देख लीजिए। और सिग्नल का मैंने इन दो पीएफओ पे आपको समझा ही रखा है। अब इसमें साउंड का फॉल्ट है तो डायरेक्ट 4558 साउंड वाली आईसी पे इसके 8 नंबर पे 12 वोल्ट आएगी डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका सिस्टम इस टाइप से है, 8 नंबर से एक 10K का रेजिस्टेंस लगेगा, ये लगा हुआ, जो कि सीधा 4 नंबर और इधर 3 नंबर पे आएगा। नहीं, 4 नहीं, ये 5 नंबर है, यानी यहां से ये 10K लगेगी तो 5 नंबर पे आएगी और 3 नंबर पे आएगी, और इन दोनों को शॉर्ट करते हुए यहां पे 10K ग्राउंड हो जाएगी। ये 10K रेजिस्टेंस एक और लगी, इससे ग्राउंड हो जाएगी, और इस वाले ऑप्शन से ये कैपेसिटर ग्राउंड हो जाएगा, जिससे फिल्ट्रेशन होके आवाज आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद 3 नंबर का मैंने बताई दिया, 4 नंबर ग्राउंड होता है इसका, 1 नंबर और 2 नंबर इस पे ये 75K रेजिस्टेंस लगेगी, और यहां से ये 8K2 या 10K लग के इस पीएफ के जरिए ये इधर से साउंड ड्राइवर से जुड़ जाएगी और इधर से आउटपुट कर देगी। उसी तरीके से ये 8 नंबर पिन है, ये सप्लाई की पिन है, और 5 नंबर का जिक्र मैंने कर ही दिया जो 5-3 से कनेक्ट होती है, तो बची कौन सी? 6 और 7। 6 और 7 पे ये वाला 75K लगा होता है, इस 75K से ये दोनों 8K2 या 10K होती, एक इससे जुड़ी होगी और एक इस 75K से जुड़ी होगी, यानी लेफ्ट राइट के दोनों चैनल, और आउटपुट के लिए 2 कैपेसिटर लगे होंगे जो साउंड को आउट करेंगे यहां से। अब इसकी वोल्टेज देख लेते हैं। ये 1 नंबर पिन है, इस पे भी वोल्टेज आएगी करीब करीब 6 से 8 के बीच में, और यहां पे 12 वोल्ट आएगी, तो यहां 12 वोल्ट आ नहीं रही है, तो इसके लिए क्या होगा?
इस 12 वोल्ट को पहुंचाने के लिए एक रेजिस्टेंस लगती है 33 ओम की, जो फ्यूज का काम करती है। जब ये आईसी खराब हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस भी खराब हो जाती है। उस रेजिस्टेंस को कुछों में तो यहीं पे लगी होती है, कुछ कार्डों के सर्किट में, और कुछ कार्डों के सर्किट में ये यहाँ लगी होती है। यहाँ पे एक बार मैं कार्ड को दिखा दूं तिरछा करके, ये देखिए कैपेसिटर के बराबर में काली हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जला हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जली हुई है। तो पहले इस रेजिस्टेंस को बदलेंगे तो 12 वोल्ट यहाँ आ जाएगी, और इस रेजिस्टेंस पे देखिए 12 वोल्ट भी आ रही होगी कहीं ना कहीं। अब बैक में ले जाके देख, ये रेजिस्टेंस, ये इस पे 12 वोल्ट आएगी तो मीटर हमारा दिखा देगा। ये देखिए रेजिस्टेंस पे 12 वोल्ट आ रही है। इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। तो इस 33 ओम की रेजिस्टेंस को पहले बदलेंगे। अब यहाँ पे दूसरा 33 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये वाला लगा दें, दूसरे कार्ड से निकाल के लगा दें। दूसरे कार्ड से निकाल के लगाएंगे तो अब देखेंगे 45-58 पे वोल्टेज आएगी या नहीं आएगी। ये देखिए वोल्टेज आ गई है 45-58 पे। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, और अब देखेंगे एक नंबर पिन पे, ये 75 ओम के 8 नंबर पिन पे वोल्टेज आ चुकी है। अब एक नंबर पे दें, एक नंबर पे 6 वोल्टेज आ गई है। और ये जो पीएफ है यहाँ पे भी वोल्टेज आ चुकी है बराबर, और ये आउटपुट पे भी देख लीजिए जो आउट सॉकेट है इन पे भी वोल्टेज आ चुकी है। अब साउंड तो आपको मैं नहीं सुना सकता, लेकिन अपने आप चेक जरूर कर सकता हूं, साउंड बिल्कुल ओके हो चुकी है। हल्का सा लगा के सुनाऊंगा बस। दोनों सॉकेट में आ चुकी है। तो दोस्तों ये साउंड का फॉल्ट था। अब मान लिया 8 नंबर पिन पे वोल्टेज आपकी आ जाती है, जैसे आ रही है 8 नंबर पिन पे वोल्टेज हमारी आ गई है, और एक नंबर पे वोल्टेज हमारी नहीं आ रही है, जो 6 से 8 मैंने बताया, अब ये 6.6 के करीब आ रही है, यानी 6 से तो ऊपर ही है। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाती है तो ये हमारा आईसी खराब हो जाता, तो इस आईसी को चेंज कर लें। लेकिन ये सप्लाई का जो इधर मिला है हमें रेजिस्टेंस, ये कभी कभी यहाँ पे भी होता है, तो अलग अलग सर्किट के हिसाब से होता है। तो दोस्तों ये साउंड का फॉल्ट था। अगर साउंड के फॉल्ट में कुछ और भी कमियाँ नजर आएंगी तो उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें,
चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार वीडियो लेके। नमस्कार।